रायबरेली के भुएमऊ गांव के पास एक गांव है जिसका नाम है जंगली गड्ढा। नाम पे मत जाइए, इस गांव को रोशन करके दिखाया है योगी सरकार की सौभाग्य योजना। नाम है आपका? मेरा नाम सर हरिशंकर। क्या बदलाव हुआ है इस योजना से? आपके यहाँ कितने सालों बाद लाइट है? अरे सर, हमारी जिंदगी में तो नहीं दिखी जी, इसके बाद मिली है पहली बार। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हीरा लाल है। कितनी उम्र है? हमारा उम्र है 60। लाइट कितने साल बाद आई, क्या मान के चल रहे हैं? लाइट मान के चल रहे हैं साहब कि हमारे जीवन भर लाइट नहीं रही, अब आई है। इसके आने से क्या बदलाव होगा आपके जीवन? इसके आने से बदलाव ये है कि साहब लाइट कम से कम मिलती है, हैं? कोई काम धंधा फंसता है तो लाइट में कर लिया जाता है। हाँ, सरकार से सहूलती तो है। आप बताइए, धन्यवाद। महिला क्या नाम है आपका? सुमन। लाइट आने से आपको क्या सहूलियत है? लाइट आने से आपको यह सहूलियत, आराम है कि पढ़ लिख लेते हैं बच्चे, खाना भी बन जाता है, ये आराम है। एक ऐसा मजरा था जिसमें इसके पहले जितनी भी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं आई उसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसे लगे होते थे कि उसमें कभी ये सेलेक्ट नहीं हो पाता था। सौभाग्य योजना ऐसी है जिसमें हमको 100% लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है, रादर हर बसावट तक, हर मजरे तक हमको बिजली पहुंचानी है। तो इस कारण से ये इंक्लूड किया गया। और ये गांव ऐसा था जिसमें आजादी के बाद कभी भी कनेक्शन रहा ही नहीं, विद्युत पहुंची ही नहीं। विभाग द्वारा जिले में कुल कितने कनेक्शन दिए गए हैं इस योजना के तहत, अगर हम बात करें अब तक? और चूंकि अभी पिछली बार जब जनसभा थी प्रधानमंत्री की, तो सीएम ने खुद मंच से कहा था कि एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है रायबरेली में, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी। अभी देखिए, रायबरेली में हमने लगभग 7013 मजरे में अभी तक हम लगभग 65,000 कनेक्शन दे चुके हैं। और अभी भी कनेक्शन, क्योंकि एक ये सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी इक्का तुक्का लोग आ जा रहे हैं जिनको हम कनेक्शन देते जा रहे हैं। अभी कनेक्शन देना हमने बंद नहीं किया है, और अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि कब 15,000 से 20,000 कनेक्शन हम और देंगे। इनमें से वो गांव कितने हैं जो पहली बार जिनमें विद्युत? इनमें से हमारे यहाँ करीब 76 मजरे ऐसे थे जो हमने सर्वे करके, बहुत रिग्रस सर्वे किया, उसमें से 76 मजरे ऐसे निकल के आए थे जहां विद्युत कभी पहुंची ही नहीं थी। उसमें से 40 में तो हमने अपना, जो हमारी कार्यदायक संस्था मेसर एलएनटी है, उसके द्वारा हमने उसको विद्युतीकृत कर दिया, सब जगह बिजली पहुंचा, जिसमें से जंगली का अड्डा एक है जो आपने देखा। उसके अलावा 34 मजरे ऐसे थे जहां पे जो हमारा विद्युत तंत्र है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत दूर दूर तक अवेलेबल नहीं था, तो वहां कहीं 4 घर है, कहीं 5 घर है, या 6 घर है, या 10 घर है, तो वहां तक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। तो वहां पे हमने नेडा के थ्रू, जो इस सौभाग्य योजना का एक पार्ट है, नेडा के थ्रू उनको सोलर कनेक्शन दिया है। हर आदमी को 200 वाट का हमने पैनल लगवा के, नेडा ने पैनल लगा के दिया है, उसमें उसको 5 LED और 1 सीलिंग फैन, इतना उसे। इसमें देखिए, हम उनसे एक नया पैसा नहीं लिया जाता, मतलब हम उनको मीटर, केबल या जो भी, उसके अलावा दो LED ये हम उनको फ्री में देते हैं। और बिल की जहां तक बात है, वो जितनी मीटर यूनिट खर्च करेंगे, जब से ये जैसे हमारा साथ ये साथ के साथ उनको लेजराइज करते जा रहे हैं, और उनको 1-2 महीने के अंदर ही बिल मिलना शुरू हो जाएगा, तो जैसे जो वो जितनी यूनिट खर्च करेंगे उस हिसाब से उनको बिल उनका बनेगा।